तो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं यहाँ से आपको बताने वाला हूँ मध्य प्रदेश अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 11वीं अर्थशास्त्र विषय के पेपर को और इसके सॉल्यूशन को। तो प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है हमारी कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा ले। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ए टू जेड पूरा का पूरा पेपर मैं यहाँ से आपको बताने वाला हूँ। टोटली जिस प्रकार का पेपर मैं यहाँ से आपको बताऊँगा ना, पूरा का पूरा पेपर आपसे अर्धवार्षिक परीक्षा में बिल्कुल ऐसा कैसे पूछा जाएगा। तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं, समझते कि अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 11वीं अर्थशास्त्र विषय का आपका पेपर किस प्रकार का आने वाला है और आप सभी को प्यारे विद्यार्थियों इस पेपर का सॉल्यूशन कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। प्यारे विद्यार्थियों, पूरा वीडियो देखकर जाइएगा क्योंकि यहां से मैं आप सभी को पूरा का पूरा पेपर बताऊंगा, एक भी क्वेश्चन आपका यहां से बाहर जाने वाला नहीं है। तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इसके सॉल्यूशन को। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग देख सकते हो अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 11वीं के आज हम अर्थशास्त्र विषय के पेपर को देखने वाले हैं। तो चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका पूरा पेपर किस प्रकार का आएगा और आप सभी को इसका सॉल्यूशन कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका पूरा का पूरा अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 11वीं अर्थशास्त्र विषय का पेपर, जिसमें कि आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा और पूर्णांक होगा आपका 80 अंकों का। अब इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको निर्देश दिए गए हैं, तो आप लोगों को क्या करना है कि निर्देशों को अच्छे से पढ़ लेना है और पूरा का पूरा समझ भी लेना है। चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका पूरा पेपर कैसा आएगा अर्धवार्षिक परीक्षा का और आप सभी को इसका सॉल्यूशन कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा पूरा का पूरा आपका अर्थशास्त्र का पेपर। आप सभी लोग यहाँ से इस पेपर को अच्छे से देख लेंगे और पूरा का पूरा समझ भी लेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, अर्थशास्त्र के विभाग होते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अर्थशास्त्र के कितने विभाग होते हैं, तो इसका उत्तर आप लोगों को लिख लेना, 5 विभाग होते हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, आंकड़ों के वर्गीकरण में पहला कदम है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आंकड़ों के वर्गीकरण में पहला कदम क्या माना गया है, तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर आ जाएगा वर्गीकरण। यहां से आपको लिख लेना, वर्गीकरण इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, माध्यिका को कहा जाता है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, माध्यिका को क्या कहते हैं, तो देखिएगा इसका उत्तर आ जाएगा स्थिति संबंधी माध्य। उसके बाद चौथे क्वेश्चन को देखते हैं क्या लिखा है, हमारे देश में नीति आयोग का गठन कब किया गया। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर क्या जाएगा, इसका उत्तर होगा 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया था। तो चौथे नंबर के क्वेश्चन का उत्तर यह आ जाएगा। आप सभी लोग यहाँ से इसको देख लेंगे और पूरा का पूरा नोट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें कि लिखा है हरित क्रांति के जनक है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर क्या होगा, आप सभी लोग देख लेंगे यहाँ से। तो हरित क्रांति के जनक होंगे M.S. स्वामीनाथन, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिएगा, ये रहा आपका 6ठा क्वेश्चन, जिसमें कि लिखा है राष्ट्रीय आय में सतत एवं दीर्घकालिक वृद्धि किसकी विशेषता है। तो देखिएगा 6ठे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है ना प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर आ जाएगा ये आर्थिक विकास की विशेषता है। तो यहाँ से आप लोगों को ये लिख लेना, आर्थिक विकास की ये विशेषता है। उसके बाद अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें कि लिखा गया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिएगा, रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको कैसे करनी है, चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। तो पहला रिक्त स्थान लिखा है में समग्र की प्रत्येक इकाई का अध्ययन किया जाता है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर क्या आ जाएगा, इस जगह पर आपको लिख लेना संगणना विधि में, यहाँ से लिख लेना है संगणना विधि में समग्र की प्रत्येक इकाई का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन को पढ़ते हैं क्या लिखा है, परिमाप विचलन गुणांक का सूत्र है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, परिमाप विचलन गुणांक का सूत्र क्या है, इस प्रकार से आपको लिख लेना प्यारे विद्यार्थियों, ये परिमाप विचलन के गुणांक का सूत्र है। और उसके बाद में तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं क्या लिखा है, से संबंध तकनीकी खोज किसने की थी। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, से संबंध तकनीकी खोज किसने की थी, तो यहाँ से आप लोगों को लिख लेना है कार्ल और उसके बाद में पियर्सन ने से संबंध तकनीक की खोज की थी। उसके बाद अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या लिखा है, P0 प्रदर्शित करता है वर्ष का मूल्य। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थी, P0 क्या प्रदर्शित करता है, तो यहाँ से आप लोगों को लिख लेना है आधार वर्ष का मूल्य प्रदर्शित करता है। उसके बाद 5वें क्वेश्चन को देखते हैं, उदारीकरण में अनावश्यक को कम किया जाता है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, उदारीकरण में अनावश्यक किसको कम किया जाता है, तो यहाँ से लिख लेना है उदारीकरण में अनावश्यक प्रतिबंधों को कम किया जाता है। उसके बाद में अगले क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि ये लिखा है 6ठे नंबर का, 2011 में साक्षरता का प्रतिशत था। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, 2011 में साक्षरता का प्रतिशत कितना था, 74.04% साक्षरता दर थी। कितनी थी, 74.04%। उसके बाद में अगले क्वेश्चन को देखते हैं, तो देखिएगा ये रहा आपका 7वां क्वेश्चन, आर्थिक विकास प्रक्रिया है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आर्थिक विकास कैसी प्रक्रिया है, यहाँ से आप लोगों को लिख लेना सतत प्रक्रिया है।
उसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे जोड़ी का मिलान पूछा जाएगा। तो आप सभी लोग प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से जोड़ी के मिलान को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। पहला जोड़ी मिलान देखते हैं, सांख्यिकी के जनक है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों सांख्यिकी के जनक कौन है, इसकी जोड़ी का मिलान आपका हो जाएगा इससे, ग्रोटफायर्ड एक्नेवाल से। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों केंद्रीय प्रवृत्ति की माप क्या हो जाएगी, सामांतर माध्य। उसके बाद में पदों के विचरण की माप। तो देखिएगा तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है ना प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर क्या जाएगा, इसका उत्तर आप लोगों को लिख लेना है अपकिरण की माप। उसके बाद चौथे क्वेश्चन को देखते हैं, आदर्श निर्देशांक। चौथे क्वेश्चन की जोड़ी का मिलान आपका हो जाएगा इससे, भीषण और पिछड़ी अर्थव्यवस्था। पाँच नंबर का क्वेश्चन, तो इसकी जोड़ का मिलान आपको कर लेना है इससे, निम्न जीवन स्तर। और उसके बाद में चीन में सुधार, तो देखिएगा इसकी जोड़ी का मिलान कर लेना इससे 1978 से। तो ऐसे प्यारे विद्यार्थियों आप सभी लोग यहाँ से जोड़ी के मिलान को देख लेंगे और पूरा का पूरा समझ लेंगे। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोग यहाँ से इसको देख लें और पूरा का पूरा समझ लेंगे। पहला क्वेश्चन लिखा है, समंक कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आप लोगों को लिख लेना है, समंक दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक समंक और द्वितीयक समंक। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिग्मा एक्स बटे एन किसका सूत्र है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों सिग्मा एक्स बटे एन किसका सूत्र है, तो यहाँ से लिख लेना आपको, ये सामांतर माध्य का सूत्र है, सामांतर और उसके बाद में माध्य, यहाँ से आप लोगों को लिख लेना है। उसके बाद अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या लिखा है, प्रमाप विचलन का विचार किसने दिया। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों प्रमाप विचलन का जो विचार दिया था वो दिया था कार्ल पियर्सन ने, कार्ल उसके बाद लिखना है पियर्सन ने प्रमाप विचलन का विचार दिया था। उसके बाद अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या लिखा है, कृषि क्रियाएँ किस क्षेत्र से संबंधित है। चौथे नंबर का क्वेश्चन, तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों कृषि क्रियाएँ जो है ना प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है, यहाँ से आप लोगों को लिख लेना प्राथमिक उसके बाद में क्षेत्र से संबंधित है कृषि क्रियाएँ। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, निजी क्षेत्र द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों पर पूर्ण रूप से स्वामित्व प्राप्त करना क्या कहलाता है। तो देखिएगा पाँच नंबर का जो क्वेश्चन पूछा गया ना, इसमें आपको इसका उत्तर लिख लेना है, इसको कहते हैं निजीकरण। क्या कहते हैं इसको, निजी और करण, यहाँ से आप लोगों को लिख लेना है। उसके बाद छठे क्वेश्चन को देखते हैं क्या लिखा है, छठे नंबर के क्वेश्चन में दिया गया है, कीमत में वृद्धि का विनियोग पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों कीमत में वृद्धि पर विनियोग में क्या प्रभाव पड़ता है, तो इस जगह से आप लोगों को लिख लेना है विपरीत प्रभाव पड़ता है। कैसा प्रभाव, विपरीत और उसके बाद में प्रभाव और उसके बाद में पड़ता है, यहाँ से आप लोगों को लिख लेना विपरीत प्रभाव पड़ता है। उसके बाद अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या लिखा है, आर्थिक आधार, आर्थिक विकास का आधार क्या है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों आर्थिक विकास का आधार क्या है, तो यहाँ से आप लोगों को लिख लेना है आर्थिक कल्याण में वृद्धि, यहाँ से आप सभी लोग लिख लेंगे क्या है इसका आधार, आर्थिक उसके बाद कल्याण उसके बाद में उसके बाद में वृद्धि, आर्थिक कल्याण में वृद्धि इसका आधार है। उसके बाद अगले क्वेश्चन को देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे सत्य असत्य पूछे जाएंगे, तो आप सभी लोग यहाँ से इसको देख ले पूरा का पूरा। पहले नंबर के क्वेश्चन में लिखा है, माध्यिका की बीजगणितीय विवेचना संभव नहीं है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों पहले नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है ना, ये क्या हो जाएगा, ये पूरी तरह से आपका सत्य होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, हम निर्देशांक पर पूर्ण विश्वास कर सकते हैं। तो देखिएगा ये भी आपका बिल्कुल असत्य होगा। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन, ब्रिटिश काल में कच्चे माल का आयात किया जाता था। तो देखिएगा ये भी आपका असत्य हो जाएगा। उसके बाद तीसरा चौथा क्वेश्चन देखते हैं, 1993 की औद्योगिक नीति में लाइसेंस में ढील दी गई। तो देखिएगा ये जो क्वेश्चन लिखा है ना चौथे नंबर का, ये क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों, तो यहाँ से आप सभी लोग देख लेंगे ये बिल्कुल आपका सत्य हो जाएगा, 1991 में औद्योगिक नीति में लाइसेंस में ढील दी गई थी। अगला पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, मानवीय पूंजी से उत्पादन में वृद्धि होती है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों ये बिल्कुल आपका सत्य हो जाएगा, भारत भौगोलिक दृष्टि से दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश है। छठे नंबर का क्वेश्चन, तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों छठे नंबर का क्वेश्चन क्या होगा आपका, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप सभी लोगों को सत्य सत्य वगैरह सारी चीज़ें नोट कर लेनी है। अब इसके बाद में देखिएगा ये जो क्वेश्चन लिखे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को देख लें, 7 को देख लें, इन सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपको इसी वीडियो में देने वाला हूं। पहले आप लोग यहां से इन क्वेश्चंस को देखते चलें, ये क्वेश्चंस लिखे हैं। उसके बाद में आगे क्वेश्चन लिखे हैं, क्वेश्चन नंबर 8 ये लिखा है, देख सकते हो ये, क्वेश्चन नंबर 9 ये लिखा है, क्वेश्चन नंबर 10 ये लिखा है। तो सभी के सभी क्वेश्चंस आप लोग यहां से इनको देख लेंगे A to Z, और सारा का सारा जो पेपर होगा ना प्यारे विद्यार्थियों आपका इसी प्रकार का पूछा जाएगा। आप सभी लोग यहां से पहले पूरे पेपर को देख लें और इसके बाद में फिर मैं आपको इसका फुल सॉल्यूशन भी देने वाला हूं इसी वीडियो में। तो देखिएगा इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे यहां पर पूछे जा रहे हैं। अब चलिएगा, मैंने आपको पेपर तो बता दिया, अब चलिए सभी के उत्तर भी मैं आपको बता देता हूं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर, आप सभी लोग यहां से इसको नोट कर लेंगे।
क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें कि पूछा गया है अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 को आप सभी लोग यहां से नोट कर लेंगे। और उसके अथवा हमें क्वेश्चन दिया गया है सांख्यिकी के कोई दो कार्य लिखिए, तो इसको भी आप सभी लोग देख लेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये लिखा है प्राथमिक समंक किसे कहते हैं, और देखिएगा प्यारे विद्यार्थी उसके अथवा में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है द्वितीयक आंकड़ों के क्या स्रोत हैं। तो इन क्वेश्चन को आप सभी लोग लिखते चले। अगला क्वेश्चन ये लिखा है वर्गीकरण की रीतियाँ कौन सी है आप क्या समझते हैं। तो देखिएगा यहाँ से आप सभी लोग इसको नोट कर लेंगे कि वर्गीकरण की क्या रीतियाँ है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है बारंबारता वितरण क्या है समझाइए। तो देखिएगा बारंबारता वितरण क्या है आप सभी लोग यहाँ से इसको देख लेंगे और पूरा का पूरा समझ लें। और उसके बाद में अगले क्वेश्चन को देखते हैं, तो देखिएगा अगला क्वेश्चन ये लिखा है यहाँ से आप सभी लोग देख लेंगे इसको क्या लिखा है समांतर माध्यिका खंडित श्रेणी में सूत्र लिखिए। तो समांतर माध्यिका खंडित श्रेणी में सूत्र क्या है आप सभी लोग यहाँ से इसको नोट कर लेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये लिखा है अपकिरण से क्या आशय है, तो अपकिरण से क्या आशय है आप सभी लोग इस जगह से देख लेंगे और पूरा का पूरा याद कर लेंगे यहाँ तक का। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन ये लिखा है लोरेंज वक्र के कोई दो गुण लिखिए, तो लोरेंज वक्र के दो गुण कौन कौन से हैं आप सभी लोग यहाँ से इसको देख लें और पूरा का पूरा समझ लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 जिसमें कि लिखा है बाजार अर्थव्यवस्था का अर्थ बताइए, तो बाजार अर्थव्यवस्था क्या होती है इसके अर्थ को आप लोग यहाँ से देख लेंगे। उसके अथवा में पूछा गया क्वेश्चन है तृतीयक क्षेत्र के उदाहरण बताइए, तो देखिएगा तृतीयक क्षेत्र के उदाहरण क्या है आप सभी लोग देख लें यहाँ से। उसके बाद अगले क्वेश्चन को देखते हैं ये लिखा गया है देख सकते हो यहाँ पर नागपुर योजना क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 में क्वेश्चन पूछा गया है कि नागपुर योजना क्या है आप सभी लोग यहाँ से इसको देख लें। और अगला क्वेश्चन ये लिखा है हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं, तो वेरी मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है पूरा का पूरा आप सब लोग यहाँ से इसको देख लें और पूरा का पूरा याद कर लेंगे इसको कि हरित क्रांति से आप क्या समझते हो। और उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं, तो देखिएगा ये क्वेश्चन लिखा है आपका निर्धनता रेखा क्या है, तो देखिएगा निर्धनता रेखा किसे कहते हैं आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन ये लिखा है मौसमी बेरोजगारी से क्या आशय है, तो यहाँ से आप सभी लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा नोट कर लेंगे कि मौसमी बेरोजगारी से क्या आशय है इसको पूरा देख लें A to Z यहाँ तक का। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन ये लिखा है ग्रामीण बेरोजगारी से क्या आशय है, तो देखिएगा यहाँ से आप सभी लोग इसको देख लेंगे कि ग्रामीण बेरोजगारी से क्या आशय है पूरा का पूरा नोट कर लें यहाँ तक का। अगला क्वेश्चन ये लिखा है कृषि विपणन से क्या आशय है, तो देखिएगा कृषि विपणन से क्या आशय है पूरा का पूरा यहाँ तक का देख लेंगे और पूरा नोट कर लेंगे। उसके बाद अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या लिखा है, देखिएगा ये लिखा है मानव पूंजी निर्माण के स्रोतों को लिखिए, तो देखिएगा मानव पूंजी निर्माण के स्रोत क्या क्या है आप सभी लोग यहाँ से इसको देख लेंगे और समझ लेंगे। और औपचारिक क्षेत्र तथा अनौपचारिक क्षेत्र का अर्थ स्पष्ट कीजिए, तो औपचारिक क्षेत्र क्या है और अनौपचारिक क्षेत्र क्या है इसके अर्थ को यहाँ से लिख लें। अनौपचारिक क्षेत्र यहाँ से आप लोग नोट कर लेंगे। और उसके बाद में अगले क्वेश्चन को देखते हैं, तो देखिएगा अगला क्वेश्चन ये लिखा है यहाँ से आप सभी लोग देख लेंगे इसको पूरा का पूरा देख लें यहाँ से इस जगह से प्राथमिक समंक और द्वितीयक समंकों में अंतर यहाँ पर आपको बताए गए हैं, तो प्राथमिक समंक और द्वितीयक समंकों के बीच में अंतर यहाँ से आप सभी लोग नोट कर लेंगे। उसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं, तो देखिएगा अगला क्वेश्चन ये लिखा है देख सकते हो रेखा चित्र प्रदर्शन की सीमाएं बताइए, तो देखिएगा रेखा चित्र प्रदर्शन की सीमाएं क्या क्या है आप सब लोग देख लेंगे यहाँ से। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, तो देखिएगा अगला क्वेश्चन ये लिखा है प्रमाप विचलन किसे कहते हैं, प्रमाप विचलन के दो गुण दो दोष बताइए, तो देखिएगा प्रमाप विचलन किसे कहते हैं आप सब लोग देख लें यहाँ से। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो देखिएगा अगला क्वेश्चन ये लिखा है अपकिरण के उद्देश्य लिखिए, तो अपकिरण के क्या क्या उद्देश्य है आप सभी लोग यहाँ से इसको देख लें और याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन ये लिखा प्यारे विद्यार्थियों देख सकते हो जिसमें कि दिया गया है आधारिक संरचना किसे कहते हैं, इसका क्या महत्व है, तो आधारिक संरचना किसे कहा जाता है इसका क्या महत्व है यहाँ से आप सभी लोग इसको याद कर लेंगे। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं जो कि ये लिखा है आप सभी लोग देख लें यहाँ से पर्यावरण क्षति के प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए, तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थी पर्यावरण क्षति क्या होती है और इसके पीछे क्या कारण जिम्मेदार है आप सब लोग ध्यान से इसको देख लें और याद कर लें अच्छे से। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं, तो देखिएगा अगला क्वेश्चन ये लिखा है सन 1958 में प्रारंभ किए गए चीन के ग्रेट लीप फॉरवर्ड कार्यक्रम की व्याख्या कीजिए, तो यहाँ से आप सभी लोग चीन का जो अभियान था ये इसके बारे में व्याख्या आप लोग डिटेल से याद कर लेंगे। और उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं, तो देखिएगा अगला क्वेश्चन ये लिखा है भारतीय अर्थव्यवस्था की तीन विशेषता लिखिए, तो देखिएगा भारतीय अर्थव्यवस्था की तीन विशेषताओं को आप सभी लोग यहाँ से देख लें और याद कर लेंगे अच्छे से। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे इस प्रकार से सवाल पूछा जाएगा, तो आप सभी लोग यहाँ से इन सवालों को देख लें पूरा यहाँ तक का। और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, तो इसके अथवा का सवाल ये दिया गया है यहाँ से आप सभी लोग देख लें यहाँ तक का पूरा का पूरा।
अब इसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 21 में इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, पूरा नोट कर लें आप लोग इस प्रकार से। और उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोग यहाँ से इसको याद कर लेंगे अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 22 लिखा है, ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव है, लिखिए। तो देखिएगा आप सभी लोग यहाँ से इसको याद कर लें अच्छे से, प्रतिवर्तियाँ निम्न होने के कारण क्या क्या है, ये आप पूरा यहाँ तक का याद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, भारत में निजीकरण के उपाय बताइए। तो ये इस क्वेश्चन को आप सब लोग देख लेंगे और पूरा का पूरा याद कर लेंगे यहाँ तक का, ताकि आप सभी लोग परीक्षाओं में पूरा इसको लिख कर आ सके। अथवा में पूछा गया क्वेश्चन है, भारत में विश्वव्यापीकरण को प्रेरित करने वाले घटकों को लिखिए। तो इसको भी आप सभी लोग देख लेंगे यहाँ तक का पूरा, और इसको याद भी कर लेंगे। अब देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक मैंने आप सभी को आपके पेपर का सॉल्यूशन दे दिया है। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।